हम तो जन्म से ही राम भक्तों के बीच में हैं और राम जी की ही देन है कि हमें किसी ने माँ विंध्यवासिनी का रास्ता दिखा दिया, जीवन में उजाला हो गया, वरना तो अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन आज जो रामनवमी पे हम मिर्जापुर आए हैं, एक दिन है इस माँ विंध्यवासिनी की कृपा से हम लोग आज पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके देश और दिल्ली की सेवा में लगे हैं। आज मैं मिर्जापुर में वहां पे शोभा यात्रा में शामिल हो रहा हूं, जहां से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई है, मेरी सफलता की यात्रा शुरू हुई है। और मैं अपने बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी भी हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मनोज श्रीवास्तव जी बैठे हैं और सभी साथी विधायक गण, यहाँ के जिला परिषद के सदस्य गण और आम नागरिक, हम सभी मिल करके 500 वर्षों की एक अनूठी सफलता को इस साल शोभा यात्रा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको भी पता है 5 सदी के बाद वापस अयोध्या जी में रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो अनुपम है। मंदिर कब तक बन जाएगा? 2024 फरवरी में, जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आप सबको न्योता दिया है, 2024 फरवरी के बाद आकर के आप रामलला के भव्य मंदिर का अयोध्या जी में दर्शन करें। मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग सड़कों पे हैं। मैं गंगा जी पार और गंगा जी के उस पार भी देख रहा हूँ, जगह जगह लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये मात्र शोभा यात्रा नहीं है बल्कि राम की गौरव यात्रा भी है।